हाय फ्रेंड्स, मैं मीना, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पनीर दो प्याजा। इस सब्जी को आप पूरी, पराठा, नान के साथ खाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पनीर दो प्याजा बनाने की सामग्री है 200 ग्राम पनीर, जिसे हमने कट कर लिया है, एक बड़ा चम्मच दही, दो बड़ा चम्मच तेल, दो टमाटर को हमने मिक्सी के बर्तन में पीस कर पेस्ट बना लिया है, एक टुकड़ा दालचीनी, दो हरी इलायची, दो लौंग, एक स्टार, एक छोटी चम्मच गरम मसाला, एक बड़ा चम्मच रेड चिली पाउडर, एक बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, पानी, एक प्याज को हमने बारीक कट कर लिया है, एक प्याज को हमने क्यूब में कट किया है, दो हरी मिर्च, एक बड़ा चम्मच धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ, एक बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, एक तेज़पत्ता, एक छोटी चम्मच जीरा, एक चौथाई चम्मच काली मिर्च का पाउडर, एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, एक बड़ा चम्मच कसूरी मेथी। बड़े बॉल में पनीर डालेंगे, दही, हल्दी पाउडर, आधा हल्दी हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, रेड चिली पाउडर, आधा रेड चिली पाउडर हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, काली मिर्च का पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, कसूरी मेथी। अच्छे से हम मिला लेंगे। सारे मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसी तरह से कोटिंग होना चाहिए। कढ़ाई गरम हो गई है, एक चम्मच तेल डालेंगे, बचा हुआ तेल हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। पनीर को हम फ्राई कर लेंगे। इसी तरह से हम चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। गैस की आंच को मीडियम रखेंगे। पनीर को हमने 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है, इसे हम एक बॉल में निकाल लेंगे। बहुत आराम से निकालना है ताकि टूटे ना पनीर। पनीर को हमने बॉल में निकाल लिया है, इसी तरह से फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। सेम पैन में हम क्यूब में कटा हुआ प्याज को भी 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। प्याज को भी हमने बहुत ही कम फ्राई किया है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इसे भी हम निकाल लेंगे। सेम पैन में हम बचे हुए तेल को डालेंगे, तेज़पत्ता, दालचीनी, स्टार, लौंग और हरी इलायची, जीरा मिलाएंगे, तुरंत कटा हुआ प्याज डालेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज को हमने बीच बीच में चलाते हुए अच्छा ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। इसी तरह से प्याज को फ्राई करना है। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, मिलाते हुए थोड़ी देर पकाएंगे ताकि अदरक और लहसुन का कच्चा टेस्ट निकल जाए। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हमने थोड़ी देर पका लिया है। पीसा हुआ टमाटर डालेंगे, मिलाएंगे। टमाटर को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। गैस की आंच को धीमी रखेंगे। हल्दी पाउडर डालेंगे, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, पहले भी हमने नमक का इस्तेमाल किया है, बहुत ही कम नमक डालेंगे, मिलाएंगे। मसालों को हम ढक कर धीमी आंच पर 5 मिनट तक पकाएंगे। मसालों को हमने बीच बीच में चलाते हुए 5 मिनट तक पका लिया है। मसालों से तेल अलग होने लगा है, यानी कि मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है।
मिक्स करेंगे। एक कप पानी डालेंगे, मिलाएंगे। फ्राई किया हुआ प्याज और पनीर ग्रेवी में डालेंगे, मिलाएंगे। अच्छे से हमने मिला लिया है। अब इसे हम ढक कर 2 मिनट तक पकाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। 2 मिनट तक हमने पका लिया है। हरी मिर्च डालेंगे, गरम मसाला, हरा धनिया पत्ता, मिलाएंगे। अच्छे से हमने मिला लिया है। ढककर 1 मिनट और पकाएंगे। 1 मिनट तक हमने और पका लिया है। मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं हमारी सब्जी कितनी अच्छी बनी है, सब्जी का कलर कितना अच्छा आया है। अब हम गैस को बंद करेंगे और गर्मा गर्म परोसेंगे। लीजिए दोस्तों, पनीर 2 प्याज़ा बनकर तैयार है। बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी बनी है। इसी तरह से आप भी बनाइए और गर्मा गर्म चपाती, पूरी, पराठा के साथ खाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। धन्यवाद।